उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी शुक्रवार यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमओ से जिले में कोरोना के प्रकोप को लेकर बातचीत की। सांसद मेनका गांधी ने बताया कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का केस फिलहाल जिले में सामने नहीं आया है, लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस को लेकर उन्होंने 3 साल पहले ही देश को आगाह कर दिया था। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर मेनका गांधी और सीएमओ के बीच बातचीत हुई। इस दौरान मेनका गांधी ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड की भी शुरुआत की जा रही है। बच्चों का वार्ड बन गया है और उसको कोविड वार्ड डिक्लेयर किया गया है बच्चों के लिए। पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग हर जात के हर कौम के ले ले अपना वैक्सीनेशन, और हम लोग 64 अगर गांव कर रहे हैं रोज के रोज तो ये बहुत अच्छी बात है। 1100 तो गांव है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेनका गांधी ने पूरे जिला अस्पताल के परिसर का निरीक्षण किया। वहीं वैक्सीनेशन पर सीएमओ ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी रुचि देखी जा रही है। रोजाना 10 से 15 मिनट के भीतर वैक्सीनेशन के स्लॉट फुल हो रहे हैं। इसके साथ ही सीएमओ ने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग से वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी 4 गांव को मिलाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस समय तो वैक्सीनेशन उसमें जो 18 से 44 का स्टार्ट हो गया है, तो ये समझिए कि सुबह बुकिंग के लिए 10 बजे लोग स्टार्ट करते हैं और 15-20 मिनट के अंदर स्लॉट भर जाते हैं। तो अच्छी खासी रश है और लोगों का काफ़ी इंथुजियाज्म है। और अभी मैंने रिसेंटली एक और विलेज लेवल पे स्टार्ट किया है। हर ब्लॉक में हमने 4-4 विलेज लेके और वहाँ पर टीम भेज के वैक्सीनेशन स्टार्ट कराया। सुल्तानपुर से नमन सत्य न्यूज़ के लिए लालजी की रिपोर्ट।